साल 384 करोड़ का एक आंकड़ा आया है एनआईए का, जो कि 21% बढ़ा है साल दर साल। ये 9384 करोड़ में अनुमान था 9130 करोड़ रुपए के आसपास, तो वहां से 200-250 करोड़ रुपए का ऊपर का आंकड़ा है। मुनाफे फ्रंट पर करीब 4125 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो कि अनुमान था 3595 करोड़ का, तो यहां पर भी 250 करोड़ रुपए के आसपास का एक बीट वाईवाई बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेगा, और वैसे भी वाईवाई बेसिस पे नंबर्स बेटर साइड पे दिखेंगे। प्रोविजनिंग करीब 349 करोड़ रुपए की इस तिमाही के अंदर बैंक ने की है, जो कि 3532 करोड़ से वाईवाई बेसिस पर और 900 करोड़ से सीक्वेंशियल बेसिस पर घटकर आई है। तो प्रोविजनिंग के घटने की वजह से भी बॉटम लाइन पे एक इंपैक्ट है, अदरवाइज भी ये भी बढ़िया फिगर। नेट एनपीए अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे या परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो दोनों ही लिहाज से 0.73% से घटकर 0.64% नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 2.82% से घटकर 2.76% इस तिमाही के अंदर आता दिखाई पड़ा, जो कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी 21,000 करोड़ रुपए के आसपास ग्रॉस एनपीए, जो कि 22,000 करोड़ के आसपास के थे, और नेट एनपीए भी 4700 करोड़ रुपए के आसपास आया, जो कि 5500 करोड़ रुपए के सामने आया। तो सिक्वेंशियल बेसिस पर ग्रॉस और नेट दोनों एनपीएस के अंदर भी एक इंप्रूवमेंट आता दिखाई पड़ा। इसके अलावा करीब 3981 करोड़ से घटकर स्लिपेजेस 3600 करोड़ रुपए के आसपास आई है सिक्वेंशियल बेसिस पर। तो नंबर्स बेटर साइड पर आए हैं, कमेंट्री बेटर साइड पर आई है, और ज्यादातर सभी आंकड़े जो है अनुमान से बेटर है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। देखिए, स्टार्ट को हम दो प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आपके पास आप इस पे लॉन्ग होंगे। कल ये कविता जी की सुबह कॉल भी थी, कल संजीव होटा जी का शाम को जब हम बीटीसी ट्रेड्स ले रहे थे मोमेंटम कॉल, स्टॉक बाद में गिरा पर संजीव जी ने कहा ठोक बजा के, नहीं बॉस लेना है, और देखिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हम आवाज पे पहले से भी रहा देखे, इस पे लॉन्ग थे।